कि आप भी जानती हैं सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा से अपने दिल की बात लोगों के बीच साझा की है। लेकिन कई बार सुशांत कुछ ऐसी बातें कह जाते थे जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहती थी। सुशांत अमर हैं, सुशांत हमेशा अमर रहेंगे, ये बात तो हमेशा उनके चाहने वाले कहते रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी छोड़कर जाने से पहले परिवार से छिपकर देर रात अकेले में जब अपने कमरे में तन्हाइयों में अपने दिल के हाल को डायरी के पन्नों पर सवारा करते थे, तो अपने दुख दर्द सुख हर एक एहसास को साझा करते हुए वो बताते थे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सुशांत ने एक बार ऐसा कुछ कहा जो कि कैप्शन के जरिए आपको बता दी। सुशांत ने ये लिखा था, लिखकर उन्होंने अपने दर्द भरे हाल को बयां किया था। 14 जून की रात से पहले तक भी सुशांत के साथ वही कंडीशन था जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया, परिवार भी नहीं जानता था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके फैंस आज उनके बारे में लोगों के बीच बात कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले जान चुके हैं कि सुशांत वाकई में कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे, कितना वो घुट रहे थे। जी हाँ, सुशांत ने ही कहा था, ना तो वो उदासी में डिप्रेस होते हैं, ना तो एक्साइटमेंट में खुश होते हैं। सुशांत एक ऐसे कंडीशन में है, एक ऐसे न्यूट्रल कंडीशन में है कि उन्हें कोई फीलिंग नहीं होती। सुशांत मोहब्बत के बारे में भी, पुरानी यादों के बारे में भी, किसी को खोने के बाद, प्यार खोने के बाद, रिश्ते खोने के बाद, दोस्तों को खोने के बाद उम्मीद कर रहे थे एक ऐसे शख्स से जो उनके दिल का खास था। वो रिया चक्रवर्ती ही थी या कोई और, ये तो पता नहीं, लेकिन सुशांत ने उम्मीदें टूटने पर ये कदम उठाया, ये बात साफ पता चली है क्योंकि सुशांत की ये शब्द उनकी उम्मीदों को बयां करती थी। जो उम्मीदें टूटी वो जिंदगी अकेले रहने के लिए तैयार कर गए। नेशनल न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।